नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के रोडवेज वर्कशॉप में 3 दिन पूर्व संविदा चालक के ऊपर किसी ने फायर नहीं किया था, बल्कि घायल चालक स्वयं अवैध रूप से तमंचा रखकर लेटा था, इसी दौरान फायर हो गया। पुलिस ने इस घटना में घायल चालक के भतीजे को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहानागंज थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी सत्यनारायण पांडे आजमगढ़ डिपो में संविदा चालक के पद पर कार्यरत है। उनका आरोप था कि 25 जून की देर रात वह वर्कशॉप के कमरे में सो रहा था, किसी ने खिड़की से आकर उसे गोली मार दी। रोडवेज कर्मी को गोली लगने की घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन की। घायल चालक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। पुलिस को उसी दिन मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान घायल चालक का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने गोली लगने के स्थान पर ब्लैकनिंग पाए जाने पर बेहद नजदीक से गोली मारे जाने की आशंका व्यक्त की, जिसके बाद पुलिस ने जांच की रफ्तार को आगे बढ़ाया। पुलिस ने घायल चालक से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करना शुरू किया। इस दौरान चालक ने बताया कि वह अपने कमर में लोडेड तमंचा रखा हुआ था, सोते समय असावधानी से तमंचा फायर हो गया, जिससे वह घायल हो गया। वह तमंचा कोई और नहीं बल्कि उसके भतीजे सुनील पांडे ने उसे दिया था, जिसके बाद पुलिस ने घायल चालक के भतीजे को तमंचा और खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पे ड्राइवर है रोडवेज में, उसके हिप पे गोली लगी। जब उसको ले गया गया हॉस्पिटल तो उसको ब्लैकनिंग आई, लेकिन जो वो लड़का जो ड्राइवर स्टोरी बता रहा था कि वो वर्कशॉप में बस स्टैंड में वर्कशॉप में पीछे कुंडी लगा के सो रहा था, तो किसी ने खिड़की से मारा और कट्टे से मारा है, उसको गोली लगी है। जब उससे पूछा कि भाई किससे तुम्हारी रंजिश है, तो बताया हमारी रंजिश किसी से नहीं है, ना हमको किसी पे डाउट है। हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन जब डॉक्टर से उसकी फॉरेंसिक कराई गई तो पता चला कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह की इंजरी है और जिस तरह की ब्लैकनिंग आई है वो एकदम नज़दीक से ही हो सकता है। बाद में हम लोगों को डाउट होने लगा कि निश्चित रूप से इससे खुद ही ये गोली चली है। बाद में उसको साइकोलॉजिकली हम लोग इंट्रोगेट करते रहे और उसने कन्फेस किया कि हम कट्टा रखे हुए थे और कट्टे की वजह से ये अचानक जो है फायर हो गया, मैंने हिप पे लग गया। फिर जा करके उसने कट्टा बरामद कराया, कट्टा जिससे लिया था उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, वो उसका भतीजा, उसी ने कट्टा दिया था। और जिस रात ये गोली लगी थी, ये जब भतीजा उसको देखने के लिए गया था तो उसने ये भी बताया था कि हमें से गलती हो गई, लेकिन चूंकि पुलिस को गुमराह कर रहा था, कहानी बार बार बदल रहा था, इसलिए उसको भी पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है। और ये जिसने कट्टा सप्लाई किया उसका भतीजा, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके इनको जेल भेजा। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।